Hello everyone. In previous session, we seen three class, cyclostomata, then osteocytes and chondrocytes with their difference. हमने अच्छे से difference के हिसाब से ऐसे character के साथ हमने देखा था, right? ये सब character हमने लिए थे. I hope you all are well understood. Now we will move on our next class, that is the amphibia. This is the class. There are four class: amphibia, then second is reptilia, third is apes, and last one is mammalia. Right. So today we will see these four class with their character. So what is amphibia? So here you have given. The Greek name amphi, that is dual, and bios means life. कि जिस जो दो तरह की लाइफ में दो तरह के हैबिटेट में रह रहे होते हैं, that is called amphibia. As the name indicates, amphibians can live in aquatic as well as in terrestrial habitats. You know, you all are very well know. They have two pairs of limbs. यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, ये फ्रॉग है, राइट? सेलामेंड्रा एंड राना. राना मीन्स व्हाट? फ्रॉग. तो ये कौन है? फ्रॉग है ये, राइट? राना टाइग्रीना उसका साइंटिफिक नेम है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था. देन उसकी बॉडी डिवाइड इन हेड एंड ट्रंक. टेल में भी प्रेजेंट इन सम, मीन्स के आपको आपने देखा है कि फ्रॉग में टेल होती है, दूसरे एनिमल में तो होती है, मीन्स सालामेंडर में भी है, बट फ्रॉग में टेल यहाँ आपको डायग्राम में नहीं दिखाई देती है. बट वो जब लार्वल स्टेज में होता है, मीन्स के टैडबॉल स्टेज में होता है, तब उसमें टेल होती है, राइट? देन एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स. आईज हैव आईलिड्स. टेम्पनम मीन्स वॉट? कि जो अंदर हमारे ईयर के अंदर जो ड्रम होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्पनम, जिससे हमको सुनाई देता है, दैट इज प्रेजेंट इन द ईयर. देन व्हाट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, दैट इज कॉल्ड क्लोइका. एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तीनों तीन ट्रैक जो है वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोइका. विच ओपन टू एक्सक्रीटरी मीन्स वर्ड की बाहर की तरफ वो ओपन होता है वो चैम्बर. देन वॉट अबाउट रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. सो एम्फीबिया जो होते हैं वो लंग्स थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, माउथ थ्रू भी कर सकते हैं, गिल्स थ्रू भी कर सकते हैं, और स्किन थ्रू भी कर सकते हैं. हार्ट, देर आर थ्री चैम्बर, टू वेंट्रिकल एंड वन इज वेंट्रिकल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्स आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. सो दीज ऑल आर कॉमन कैरेक्टर. जो लास्ट में हमने कैरेक्टर देखे, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्स, फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट, देर आर कॉमन कैरेक्टर. एंड लास्ट वन, दैट इज एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है. ब्यूफो मीन्स के टॉड, राना मीन्स फ्रॉग, हाइला मीन्स ट्री फ्रॉग, सालामेंड्रा फ्रिज सालामेंडर, इक्थियोफिस, दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियस. ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है इक्थियोफिस, दैट इज द लिम्फलेस एम्फीबियस. ओके, सो समझ में आए एम्फीबिया के बारे में? दे लिव इन बोथ हैबिटेट, एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल. उसके पास टू पेयर ऑफ लिम्स हैं. बॉडी डिवाइड इन टू पार्ट, हेड एंड ट्रंक. सम एनिमल हैव टेल. एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स. आई हैव आईलिड्स, राइट? देन टेम्पनम होता है ईयर में. देन एनिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इन टू वन कॉमन चैम्बर, दैट इज कॉल्ड क्लोइका. Right, respiration through lungs, gills and skin. Heart have three chamber. Cold blooded animal, sex are separate. Fertilization in external, oviparous and development indirect. Right, very easy character है. Then हम देखते हैं reptilia के बारे में.
द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, कि वो ऐसे मूव इजीली मूव होते हैं, पेट से सरकते हैं वो लोग, राइट, जेने गुजराती में कहवाई पेटे सरकी ने चाले, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। लेटिन वर्ड है रेपिल, दैट इज कॉल्ड रेप्टम, और उसका मीनिंग है टू क्रीप और टू क्लाव। दे आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल, जैसे एम्फीबियंस कैसे थे एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल, बट यहाँ ओनली टेरिस्ट्रियल। बॉडी इज कवर बाय ड्राई एंड कन्फील्ड स्किन। एपिडर्मल जो लेयर होता है मेड अप ऑफ स्केल्स एंड स्क्यूट्स। दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग और टेम्पनम, ऐसा टेम्पनम रिप्रेजेंट ईयर, इसके टेम्पनम होता है बट एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। लिम्स अगर प्रेजेंट हो गए, मोस्टली नहीं प्रेजेंट होते, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक की बात करो तो उसमें लिम्स एब्सेंट होते हैं, बट अगर क्रोकोडाइल की बात करो तो उसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट, अगर लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। हार्ट इज थ्री चैम्बर बट इन एक्सेप्शनल केस फोर चैम्बर हार्ट इन क्रोकोडाइल, कि जो रेप्टाइला है उसमें हार्ट थ्री चैम्बर का होता है बट क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर का होता है। रेप्टाइला दैट इज पोइकिलोथर्मस, रेप्टाइला दैट इज पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस मीन्स व्हाट, कि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं है उसमें। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज ए स्किन कैस्ट, स्नेक्स और लिजर्ड हम उसके स्केल रिलीज कर देती है, राइट। सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। ओके, वेरी इजी कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल, देर आर मैनी एग्जाम्पल, टर्टल, टर्टरॉइस, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिजेटर, वॉल लिजर्ड, नाचा मीन्स के कोबरा, देन क्रेट्स, वाइपर, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने तो कोई कोई एग्जाम्पल पहली बार सुना होगा, तो अच्छे एग्जाम्पल है तो रेप्टाइला, जो उसकी कॉमन कैरेक्टर है लोकोमोशन की, एक मोड ऑफ लोकोमोशन अलग से है क्रीपिंग एंड क्राउलिंग, राइट। टेरिस्ट्रियल है, बॉडी कवर विथ ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन, देन एपिडर्मल पे स्केल एंड स्क्यूट्स होते हैं, देन एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं बट टेम्पनम होता है, लिम्स प्रेजेंट अगर होंगे तो दो पैर ऑफ लिम्स होंगे, देन हार्ट थ्री चैम्बर का होता है बट एक्सेप्शनल केस क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर का, देन सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास दैट इज एप्स। एप्स की हम बात करें तो वो तो हम सभी एप्स के बारे में आपको पता ही है, जिसमें बर्ड इंक्लूड होते हैं। सो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, दैट इज द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, कि मोस्टली बर्ड फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, वो हैवी होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई दे कांट फ्लाई। दे पजेस बिग चोंच होती है, राइट। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, कि उसके जो फोर लिम्स होते हैं, राइट, आगे के लिम्स वो विंग्स में मॉडिफाई होते हैं, दैट इज़ वाई हम उड़ नहीं सकते और वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। द हिंड विंग्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लाइंबिंग द ट्री ब्रांच, कि ब्रांच ट्री पे चढ़ने के लिए, स्विम करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए उसमें हिंड विम्स आते हैं, मीन्स के हिंड विम्स है, जैसे हमारे में है वैसे ही। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑइल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ टेल, कि स्किन उसकी ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स होती है, और स्पेशली ऑयली ग्लैंड्स, मीन्स के जैसे हमारी स्किन ऑयली होती है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑयली ग्लैंड्स है, हमारी स्किन में ऑयली ग्लैंड्स है, दैट इज़ बाय सिक्रेशन होता है ऑयल का,
एंड कभी कभी हम बोलते हैं कि ऑयल फेस, ऑयल स्किन, ऑयली स्किन है, राइट। सो यहाँ बर्ड्स में ऑयल स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, ऑयली नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑयल ग्लैंड एब्सेंट होती है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, मीन्स के बोनी, जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटी, न्यूमेटिक, राइट। सो एंडोस्केलेटन इज फुल्ली क्लासिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटी, एयर कैविटी होती है जिससे वो अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर दैट इज कॉल्ड क्रोप एंड गिजर्ड्स, मीन्स वॉट की जो क्रोप्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा फूड रिजर्व होता है, स्टोर होता है, एंड गिजर्ड का फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो जो भी वो बर्ड्स खाते हैं उसका छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेशन, जैसे हम घंटी यूज़ करते हैं घर पे आटा पीसने के लिए, वैसे ही बर्ड में घंटी जैसा कुछ होता नहीं है, बट बॉडी में ही ऐसे स्पेशलाइज फीचर होते हैं, गिजार्ड होती है, जिससे जो भी वो खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिससे डाइजेशन अच्छे से होगा। हार्ट कम्प्लीटली फोर चैम्बर, राइट। एप्स और हम ही ऐसे एनिमल है जिसमें हार्ट फोर चैम्बर का होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल मीन्स वॉट, होमियोथर्मस, होमियोथर्मस मीन्स वॉट कि अपना बॉडी टेम्परेचर दे कैन मेंटेन अकॉर्डिंग टू आउटर बॉडी टेम्परेचर, दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड होमियोथर्मस और वार्म ब्लडेड एनिमल, और वार्म ब्लडेड एनिमल ओनली बर्ड्स एंड ममल्स दो ही है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन लंग्स थ्रू होता है, एयर सैक्स भी होती है जो लंग्स से कलेक्टेड होती है और रेस्पिरेशन सप्लीमेंटेशन में यूज होती है। सैक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, है ना। अच्छा फीचर्स, अच्छे से फीचर्स है ना, सब बहुत अच्छे से यहाँ दिया है। कॉमन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, स्पेशलाइज कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, फेदर्स, राइट। मोस्टली बर्ड फ्लाइट कैन, मोस्टली बर्ड कैन फ्लाइज बट सम बर्ड कैन नॉट फ्लाई, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, दे पजेस बीक, फोर लिम्स मॉडिफाइड इंटू विंग्स, राइट। बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर हमने देखे, मेन कैरेक्टर हमको याद रखना है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी, राइट। और उसके बाद उसके एग्जाम्पल तो आपको देखने ही नहीं पड़ेंगे, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, राइट, पेंगुइन, वल्चर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दैट यू कैन रिमेंबर। एंड देन लास्ट एंड फाइनल दैट इज क्लास ममालिया। अब ममालिया क्लास की तो बात ही नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम खुद ममालिया क्लास में इंक्लूडेड है। सो दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट में वो रहते होते हैं, फॉर एग्जांपल पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स एक्सेट्रा। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कि उसमें से कोई कोई फ्लाई भी कर सकता है और वाटर में भी रह सकता है। द मोस्ट यूनिक ममालियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड, राइट, बाय विच द यंग वंस आर न्यूट्रिलाइज, मीन्स के मेमोरी ग्लैंड्स होती है जिससे जो यंग वन होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको फीडिंग करवा पाते हैं। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बुरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा, जैसे बर्ड्स में होते हैं। द स्किन ऑफ ममालिया इज यूनिक इन पजेसिंग हेयर, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ममालिया क्लास के जो हेयर होता है वो हेयर होता है स्किन पर, दैट इज़ द वन बेसिक कैरेक्टर ऑफ ममालिया। एक्सटर्नल ईयर और पैनी आर प्रेजेंट, दो कैरेक्टर यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
कौन सा पजेसिंग हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर और पीनी, राइट। दो कैरेक्टर के दो कैरेक्टर अगर हमारे में होगा और मेमली ग्रैंड होगा तो हम पता चल जाएगा कि हम ममालिया है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जाओ, टीथ होते हैं। हार्ट इज फोर चैम्बर, होमियोथर्मस, वी मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सेक्स आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, वीवी पैरस, दे प्रोड्यूस न्यूबॉर्न बेबी, राइट, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। वेरी इजी कैरेक्टरिस्टिक है ममाल्स के। और ममाल्स में एग्जांपल की बात करो तो बहुत सारे एग्जांपल है, बट वन इज एक्सेप्शनल एग्जांपल, दैट इज ओवी पैरस, नेम इज ऑर्निथोरिंचस और प्लेटिपस। प्लेटिपस, राइट, यहाँ ड्रॉ किया है प्लेटिपस। ये फर्स्ट वाला जो है वो प्लेटिपस है, वो भले ही मेमरी ग्लैंड उसमें होती है, ममालिया है, राइट, बट उसका जो डिलीवरी टाइप्स है वो ओवी पैरस है, मीन्स के वो एग रिलीज करता है, वो न्यूबॉर्न बेबी को बॉर्न नहीं देता है, राइट। एंड और दूसरे ऑर्गेनिज्म है, दूसरे एनिमल है, दैट इज विवीपैरस, लाइक कांगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, रैट, मंकी, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन, सब बहुत सारे ऐसे मेमरी ग्लैंड जिसमें होती है वो बहुत सारे ममालियाल और एनिमल हैं जो विवीपैरस है। बट ये जो मैंने लाइन किया है वो आपको इन एक्सेप्शनल केस है वो आपको याद रखना है कि विच एनिमल इंक्लूडेड इन ममालिया, बट दे आर ओवी पैरस, तो आपको इसका ये नेम याद होना चाहिए, राइट। सो एकदम बेसिक कैरेक्टर आपको दिए हैं ममालिया के, आपको जो पता है वही दिया है, राइट, और दूसरे कॉमन कैरेक्टर दिए हैं। यहाँ आपको पूरा जो टेबल दिया है वो पूरे सभी फाइलम का सभी कैरेक्टर के हिसाब से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, कॉलियम कोइलम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट, स्पेशलाइज कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट फीचर, वो सभी का यहाँ एक टेबल दिया है आपको। तो ये शॉर्ट में आपको ये टेबल दिया है, आप शॉर्ट में अगर डिटेल में उसको याद ना रखना हो तो शॉर्ट की में ये यूज़ कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है ये। इसीलिए मैंने ऐसी ही बेसिक फीचर के हिसाब से ही आपको मैंने सभी फाइलम के बारे में बताया है, राइट। जो भी कॉमन कैरेक्टर मैंने लिखे वो कॉमन कैरेक्टर आपको अपने हिसाब से याद रखने, अगर मैंने जो बताया वो आपको याद नहीं रहता तो अपने आप से भी आप खुद से याद रख सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इन एनी वे, बिकॉज ये जो चैप्टर है वो नीट के रिलेटेड है, नीट के रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है नीट का, राइट। ये तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही बताया है, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन बाकी है जो नीट में पूछी जा सकती है, बट इसमें नीट में से ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बुक आता है, बुक का ही आता है। 80% जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें 80% टेक्स्ट बुक का आता है, वो चाहे NCERT हो या फिर GSEB हो, गुजरात बोर्ड की हो या फिर सेंट्रल बोर्ड की हो, राइट। सो आपको जिसको भी नीट की एग्ज़ाम देनी है उसको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, राइट। दूसरा, इफ़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, ओके। और ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे आपको इस चैप्टर का टेस्ट देना है, जो मैं होमवर्क अपनी स्कूल की एप्लीकेशन में होमवर्क पार्ट में भेजूंगी, तो आपको ऑनेस्टली वो टेस्ट देना है। इफ़ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क, राइट। किसी को भी कोई डाउट होगा टेस्ट के रिलेटेड या फिर चैप्टर के रिलेटेड, यू कैन आस्क, बट आपको पूछना पड़ेगा अगर आपको कोई डाउट है तो, राइट। सो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
देखते हैं फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर नाइन्थ चैप्टर, लेट अस सी. ओके, सो नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड नेक्स्ट डे आपको इस चैप्टर का टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 4 का. टिल दैट थैंक यू.